Dr. Shrans, myself, Shivam sir, and today I will teach drawing subject. Again, आपका ये फोर्थ स्टैंडर्ड का ड्राइंग का बुक है. जब आप इसे ओपन करते हैं आपको ये कलर चार्ट दिखेगा. ओके, ये आपको कलर चार्ट दिख जाएगा. ओके, लास्ट ईयर इसकी आपने प्रैक्टिस की है. ओके, देखिए बच्चों, प्राइमरी कलर्स तीन हैं, रेड येलो ब्लू. ये सेकेंडरी कलर्स जो हमारे पहले तीन कलर्स थे उन कलर में से दो कलर को मिलाकर सेकेंडरी कलर बनते हैं, ये आपको पता है. ओके, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, इस बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स यहाँ पर कलर में दिए, क्योंकि जब आप एक एक टॉपिक टॉपिक जब आप ड्रॉ करते हो ना बच्चों, तो कौन सा कलर कहाँ पर देना है, इसलिए ये कलर में यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए. ओके, तो हमारा पहला टॉपिक आप सभी ने बुक ओपन करके देखा है. ओके, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट. पहला टॉपिक क्या है, पॉट. ओके, अब यहाँ पर दो स्टेप्स दिए हैं और यहाँ पर स्पेस दिए आपको ड्रॉ करने के. आपको बच्चों क्या करना है, ये स्टेप को छोड़ दो, आपको खुद से पहला वाला स्टेप तैयार करना है. ओके, आप ये सोचिए कि पहला वाला स्टेप यहाँ पर दिया नहीं है. ओके, और सेकंड वाला हमारा जो स्टेप है बच्चों, सेकंड वाला हमारा जो स्टेप है वो देखकर हमें पहला वाला स्टेप बनाना है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इस पॉट में एक मेन शेप है. ओके, वो कौन सा है, याद है, यहाँ पर एक सर्कल है बच्चों. ओके, ये वो दूसरा शेप, यहाँ जो उसका जो मुंह है बच्चों, ओके, यहाँ पर ओपन रहता है. ओके, तो ये किस टाइप का है, थोड़ा सा एक शेप है. ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये पॉट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस दो शेप्स की हमें प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, तो देखिए फर्स्ट हमें ये जो पहला वाला शेप है, आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक होगी, अगर नहीं होगी तो आपको वो परचेस करनी है. ओके, बुक स्टॉल से मिल जाती है. ओके, एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर दे है, यहाँ पर एक सर्कल दे है और यहाँ पर ऊपर और एक शेप दिए है. ओके, तो थोड़ा सा एक शेप में है, थोड़ा लंबा है बच्चों. ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ये वाला शेप है ना ऊपर का, इसके आपको एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में प्रैक्टिस करना. किस तरह से, मानिए ये आपका पेज है. ओके, आपका ड्राइंग बुक का पेज है, तो यहाँ पर देखिए इधर से आपको इस तरह से शेप निकालना है. ओके, इस तरह से आपको शेप निकालना है और एक पूरा पेज भर देना. ओके बच्चों, समझ में आया, देखिए आपका जो पहला वाला जो जिस तरह से आया है,
ऐसा नहीं, अलग अलग में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इस तरह से आपको ये फर्स्ट वाला पेज एक्सप्लोर मेन्यू का आपको बंद है। ओके, मैंने अभी फास्ट कर कर दिखाया, आपको स्लो कर दिया, जैसे मैंने आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई कीजिए कि आपका फर्स्ट वाला आप कितने स्लो और अच्छे तरह से निकालते हो, उसी तरह आपका लास्ट का जो शेप है वो भी उसी तरह आपको निकालना। ओके, जितना अच्छा आप करेंगे उतना आपको ये बॉट ड्रॉ करने में इजी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब याद रखिए ये आपका सेकेंड पेज है, तो आपको क्या करना है बच्चों, दूसरा वाला शेप क्या है, सर्कल। ओके, तो ये थोड़ा सा टफ है बच्चों, क्योंकि हाथ से सर्कल निकालना मतलब थोड़ा टफ भी होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले धीरे से यहाँ से ऐसे, ओके, हाफ सर्कल बनाना है और फिर से यहाँ से देखिए बच्चों, आप जब देखिए अब जब इस तरह से यहाँ से हाथ ना उठाकर इस तरह से ड्रॉ करते हो तब आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, सर्कल आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बस आपको हाफ सर्कल बनाना है और यहाँ से कैसे और इसे पूरा करना है, इससे आपका आपको सर्कल बनाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आप जो सर्कल निकालते हो तो वो 80 और 90% अच्छा ही आ जाता है बच्चों। ओके, बट आप यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे हाथ न उठाकर आप जब सर्कल निकालते हो तब मेरा भी सर्कल क्या बता रहा हूँ बच्चों, मेरा भी सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ओके, और जब आप सभी सर्कल इस तरह से अलग बनाएंगे तब आपका पहला सर्कल थोड़ा अच्छा आ जाएगा और उसके आगे के सर्कल आपके बहुत ही गंदे गंदे आने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि मुझे नहीं, मुझे बाकी सब शेप्स निकालने आते हैं और मुझे सर्कल ही बनाने नहीं आते, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको बच्चों मैंने ये जो ट्रिक बताया ट्रिक आपको फॉलो करना है, पहले आपको हाफ सर्कल बनाकर फिर से यहाँ से यहाँ तक आपको उसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, तो ये पेज पर सर्कल कैसे ड्रॉ करना है इसकी प्रैक्टिस हो गई। अब इसके लिए ये पूरा पेज आपको भर देना है। ओके, देखिए, ओके, ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों ये सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल नहीं, थोड़ा सा ऐसा बड़ा है इधर से। ओके, ऐसे खड़े नहीं, ऐसे इस टाइप थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो देखिए देखिए थोड़ा सा इस टाइप को सर्कल है, तो इसी तरह आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट ये वाला शेप, सेकेंड ये वाला शेप। ओके, तो ये होने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक होगा उसी में
एक्स्ट्रा ड्राइव को बता रहा हूँ मैं, इस बुक में नहीं, आपको ये पॉट निकालने का ट्राई करना है, ओके, डायरेक्टली इसमें नहीं निकालना है, ओके, क्योंकि ये हमें, यह हमारा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अच्छा ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, तो इसलिए आपको डायरेक्टली इस पर नहीं निकालना है, वो क्या करना है, देखिए, फर्स्ट वाला जो शेप है, उसके आपने प्रैक्टिस की है अभी, ओके, वैसे तो आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको ये निकालने में इजी होगा, आपने आपको ये इस तरह से निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से लाइट में ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मुझे इस तरह से लाइट निकालना है, ठीक है बच्चों, उसके अंदर ये जो हमारा शेप है वो हमें इस तरह से हमें निकालना है, ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए यह हमारा पहला स्टेप यहाँ पर इस तरह से खत्म हो जाता है, अब दूसरा वाला स्टेप में क्या है बच्चों, जो फर्स्ट वाला शेप है उसके नीचे और छोटे छोटे लाइन बनाकर इसे जोड़ दिए, देखिए इस तरह से छोटे इस तरह से लाइन बनाकर इस तरह से जोड़ दिए, ओके, अब नेक्स्ट क्या किया बच्चों, इसके अंदर ये जो शेप है और फिर से ड्रॉ किए, पर इस शेप से वो थोड़ा सा छोटा है, ओके, तो उसी से हम इस तरह से ड्रॉ कर दें, ओके, तो देखिए हमारा हमारे पॉट का ऊपर वाला हिस्सा है वो ड्रॉ हो गया, ओके, अब देखिए ये वाला पॉट, देखिए यहाँ पर थोड़े से इस तरह से अंदर है, ये लाइन सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी अंदर है, ओके, मतलब आप इंग्लिश में सी निकालते हैं, इंग्लिश में वाला सी हो गया, ओके, तो उसी सी को हमें इतना सा थोड़ा सा बनाना, ओके, देखिए इस वाले साइड में हमें वो सी ड्रॉ करना है इस तरह से, और इधर हमें उल्टा सी बनाना है, ओके, इस तरह से, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ओके, अब नेक्स्ट नीचे का तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है हमें इरेज करना है, देखिए ये जो अंदर का सर्कल का जो बचा हुआ लाइन था इसे हमने इरेज कर दिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर इसे इस तरह से डार्क कर देना है, ओके, देखिए इस तरह से हमारा ये पॉट ड्रॉ होता है, ओके, इसी तरह से आपको मैंने जैसे बताया फर्स्ट ड्रॉ एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में फर्स्ट वाला शेप, सेकेंड पेज में सेकेंड वाला शेप, उसके बाद थर्ड वाले पेज में एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में थर्ड वाले पेज के ऊपर ये क्वेश्चन को ट्राई करना है कि इस प्रैक्टिस के बाद आपको ये आता है क्या नहीं, ओके, एक दो बार निकालिए, इरेज कीजिए, फिर से निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको जब कॉन्फिडेंस होगा, आपको जब लगेगा हाँ होगा कि मुझे ये आ रहा है, ओके, मुझे अभी ये निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, अभी मुझे ड्रॉ करने के लिए इजी हो रहा है, तब आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 4 निकाल कर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मैंने जैसे बताया उस टाइप स्टेप दिए गए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ही स्टेप है बच्चों, ओके, मोस्टली इस बुक में 3-3 स्टेप्स होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए दो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, दूसरा स्टेप यहाँ पर ड्रॉ करना है, और
पेज नंबर टू लेकर अंदर यहाँ पर आपको कलर देखना है, पिंक वाला कलर है, इसके अंदर ब्राउन कलर से डिजाइन है बच्चों के लिए, तो ये कलर आपको यहाँ देना है। ओके, और ब्लैक क्रेयॉन से आपको इसे बॉर्डर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक बच्चों, पहले टॉपिक यहाँ पर दो है बच्चों, पॉट और वेस। वेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आपको पॉट की प्रैक्टिस करनी है और पॉट को निकालने से पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम वेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आपका होमवर्क है जिसे आपको पूरा कर देना है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।